बांग्लादेशी पूर्व पीएम को भारत आए करीब 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक वो अपने लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं तलाश पाई है। इसके चलते ये साफ नहीं हो पा रहा है कि वो कब तक भारत में रहेंगी। पहले खबर थी कि वो ब्रिटेन जाने की तैयारी में है, लेकिन वहां से इनकार कर दिया गया। ब्रिटेन ने एक कूटनीतिक बयान देते हुए कहा कि शरण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम कहता है कि व्यक्ति जहां भी सबसे पहले सुरक्षित पहुंचता है वही उसे शरण मांगने का अधिकार है। इसके अलावा राजनीतिक शख्सियों को शरण देने के किसी प्रावधान के होने से भी ब्रिटेन ने इनकार कर दिया। इसके अलावा अमेरिका की ओर से भी उन्हें इनकार ही नसीब हुआ है। इस बीच चर्चा है कि शेख हसीना विकल्पों पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना मुस्लिम देश सऊदी अरब और यूएई जाने की कोशिश में है। यही नहीं, फिनलैंड को भी वह एक विकल्प के तौर पर देख रही है। वह अपनी छोटी बहन शेख रिहाना के साथ भारत आई है और अब से यही बनी हुई है। उन्हें बुधवार को ही हिंडन एयरबेस से निकाल कर किसी सुरक्षित ठिकाने पर रखा गया है, लेकिन अब तक साफ नहीं हो सका कि शेख हसीना कब तक भारत में रहेंगी और आगे का क्या प्लान है। उनके बेटे सजीव वाजदजाई का कहना है कि अब तक शेख हसीना ने किसी भी देश से शरण की मांग नहीं की है। उन्होंने कहा कि वह अमेरिका, यूके, फिनलैंड या फिर भारत में रह सकती है जहाँ उनके परिवार के लोग रहते हैं। जाय ने कहा कि मैं वॉशिंगटन में हूँ, मेरी आंटी लंदन में है और बहन दिल्ली में रहती है, इसलिए अब तक तय नहीं है कि शेख हसीना कहाँ रहने का प्लान कर रही है। गौरतलब है कि शेख हसीना को लेकर विदेश मंत्री ने बताया था कि उन्होंने कुछ वक्त के लिए दिल्ली में रहने की परमिशन मांगी थी। ये मांग तत्काल की गई थी। इसके चलते भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया। हालांकि उन्होंने शेख हसीना के भविष्य को लेकर कोई बात नहीं की।